हाय फ्रेंड, आप सभी को वेलकम मैकेनिकल ग्रुप में। मैं जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, आज एक नया टॉपिक के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा। ये शॉर्ट वीडियो होगा, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पॉलिटेक्निक आफ्टर 10th, इज बैड और गुड। जैसा कि अभी पॉलिटेक्निक में एडमिशन चल रहा है, बहुत सारा स्टूडेंट जो है वो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं आफ्टर 10th के बाद, तो उनके लिए एक ये गाइडलाइन है कि अदर पॉलिटेक्निक करना 10th के बाद सही रहेगा या नहीं। ठीक है, आप इस वीडियो के थ्रू देखकर पता लगा सकते हैं कि आपको क्या क्या स्कोप मिल सकता है पॉलिटेक्निक के बाद, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। ठीक है, आप लोग अभी देख सकते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो पॉलिटेक्निक आफ्टर 10th इज बैड और गुड। ठीक है, सो अगर इसका वन बाय वन एडवांटेज का बात करेंगे, ठीक है ना, तो अगर पॉलिटेक्निक आप करना चाहते हो, ठीक है, पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको एक जूनियर इंजीनियर का पोस्ट के लिए आप एग्जीलेबल हो, ठीक है ना, जूनियर इंजीनियर के लिए आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, अदर इन द गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप कहाँ पे वर्क करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो इसके लिए जो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, एक मिनट, यस, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो इसके लिए जो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10th चाहिए होता है विथ 45% मार्क्स। ठीक है, जो बहुत ही ईजी है, अगर आपके पास अगर आप 10th पास कर चुके हो, अगर 45% मार्क्स है तो आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर सकते हो, एदर इन द एनी ब्रांच डिपेंड, ठीक है, आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा, एडमिशन थ्रू द इंटरेस्ट और डायरेक्ट। ठीक है, आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन इंटरेस्ट के थ्रू भी होता है और डायरेक्ट भी एडमिशन होती है। अगर आप चाहते हो कि आपको इंटरेस्ट देख के गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का है तो आप इंटरेस्ट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, वहाँ पे फीस आपको काफ़ी कम मिलेगी। दूसरा, गवर्नमेंट डायरेक्ट के थ्रू होती है, अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो या तो फिर आपका रैंक अच्छा नहीं आता है तो आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तीसरा बेनिफिट ये होता है कि जूनियर इंजीनियर इन द शॉर्ट टर्म, अगर आप डिप्लोमा करते हो, पॉलिटेक्निक करते हो, ठीक है, तो आप बहुत ही कम टाइम में जो होता है वो आप एक जूनियर इंजीनियर के लिए एग्जीलेबल हो जाते हो। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप बीटेक करने जाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले 2 ईयर्स का 12th करना पड़ेगा, साइंस का इंटर करना पड़ेगा साइंस लेकर, उसके बाद फिर आप जाके बीटेक कर सकते हो, बट और बीटेक करने के बाद फिर आप एक इंजीनियर पोस्ट के लिए एग्जीबल हो। ठीक है, बट डिप्लोमा में ऐसा नहीं है, डिप्लोमा में डायरेक्ट आप 10th के बाद 3 साल का कोर्स करो, उसके बाद आप एक जूनियर इंजीनियर के लिए आप एग्जीबल हो। ठीक हो ना, सो तीसरा फायदा इसका ये हुआ। और चौथा बेनिफिट ये है कि लेस फी एज कम्पेयर टू बीटेक। ठीक है ना, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो पॉलिटेक्निक में आपको बहुत ही कम फी पेड करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू बीटेक। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाह रहे हो तो बिल्कुल भी फी पेड नहीं करना पड़ता है ओनली, ठीक है, और अगर प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो पॉलिटेक्निक तो थोड़ा फी पे करना पड़ता है, बट इट इज़ ऑलरेडी लेस एज कम्पेयर टू बीटेक। ठीक है ना, सो अगर फोर्थ पॉइंट का बात करेंगे, ठीक है ना, तो एक ये तो फी के रिगार्डिंग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अप्लाई फॉर द ALP, SSC JEE, RRB JEE, स्टेट JEE एंड अदर PSU जॉब्स। ठीक है ना, अगर आप डिप्लोमा कर लिए हो, ठीक है ना, अगर आप डिप्लोमा कर लिए हो तो मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप डिप्लोमा कर लिए हो तो रेलवे में ALP पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, SSC JEE का एग्ज़ाम दे सकते हो, RRB JEE का एग्ज़ाम दे सकते हो, स्टेट JEE का जितना भी एग्ज़ाम होगा वो आप सारे एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हो, अदर PSU जो पब्लिक सेक्टर लिमिटेड जो कंपनीज होती है उसमें भी आप जॉब कर सकते हो, इसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो। ठीक है ना, सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ द पॉलिटेक्निक। नेक्स्ट, वेरी लेस फी इन द गवर्नमेंट कॉलेज। ऑलरेडी हम इसके बारे में बता चुके हैं कि पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही कम फी आपको पेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्टाइपेंड एवरी ईयर, आपको एवरी प्रत्येक ईयर जो है वो स्टाइपेंड मिलता है पॉलिटेक्निक के कोर्स में। ठीक है ना, तो डरने की कोई बात नहीं है, आप एवरी ईयर स्टाइपेंड भी रिसीव कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद आता है नॉर्म प्लेसमेंट के बाद, जब आपका पॉलिटेक्निक कोर्स कंप्लीट होता है तो कॉलेज में प्लेसमेंट चलती है, बट एक थोड़ा सा डिमेरिट है कि पॉलिटेक्निक में आपको कोई बहुत हाई लेवल का पैकेज नहीं मिलेगा, बहुत ही नॉर्मल पैकेज मिलता है। ठीक है, इनिशियल पैकेज बहुत ही कम होता है, यू हैव टू वर्क हार्ड इन द इंडस्ट्री, देन यू विल गेट अ बेटर पैकेज इन सम ईयर्स। ठीक है ना, सो दीज आर द
एडवांटेज ऑफ द पॉलिटेक्निक की, ठीक है ना. सो दिस आर द एडवांटेज ऑफ द पॉलिटेक्निक. नाउ इट्स डिपेंड अपॉन यू दैट वेयर यू वांट टू प्रेफर. इफ यू वांट टू प्रेफर इन इंजीनियरिंग लाइन देन इट इज़ ओके फॉर यू. ठीक है. सो ये सब चीज़ें हैं जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है. ठीक है. ये सब सारे जो वीडियो है, ये सब सारे जो इन्फॉर्मेशन है, वो फैक्ट पर निर्धारित है. ठीक है. तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़, सॉरी, इफ यू दिस इफ दिस इन्फॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में विथ इसके डिसवान्टेज के साथ. मैं बताऊँगा उसमें कि पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या क्या डिसवान्टेज है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है. आई विल ट्राई टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ वॉच दिस वीडियो. थैंक यू.